कृष्ण हरि बोल सर। एक श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, ध्रुव महाराज की कथा। ध्रुव महाराज की कथा इतने सुंदर है कि इसको चैतन्य महाप्रभु भी बार 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 स्वरूप दामोदर से सुनते थे। ध्रुव महाराज की कथा और प्रहलाद महाराज की बार 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 सुनते। और हम लोग देखते हैं सुखदेव गोस्वामी, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का छोड़ के उत्तानपाद का ही उन्होंने कथा लिया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भी चाहते थे ध्रुव महाराज के बारे में बताना, क्योंकि भागवतम भागवतम ऐसा ग्रंथ है भागवतम, जो उसको सुनने मात्र से हमारे अंदर का जो कठिन ग्रंथि सब नष्ट हो जाए। नित्यम भागवत सेवा, लोग बोलते ना जो हमारे अंदर जो पाप का छिंदंती सब काट देता है, संशय सब एक कर देता है, सिर्फ भागवतम सुनने मात्र। अभी तक हम लोग दक्ष प्रजापति के बस कथा सुने, और अभी मैत्रेय और विदुर का उत्तानपाद राजा का कथा शुरू किया है। और कल का श्लोक में हम लोग देख, उत्तानपाद राजा को दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। इसमें हम लोग नाम से ही हम लोग उनका गुण स्वभाव समझ सकते। एक के नाम सुनीति और दूसरे के नाम सुरुचि। इधर हम लोग इस श्लोक में हम लोग सुरुचि और ध्रुव का सुन ऐसे देखे तो राजा या राजपत्नी उसको प्रजा सभी एक समान हो, सभी लोग एक समान है। इसे हम लोग पांच माताओं को हम स्मरण करते हैं ना, पांच माताओं को हम लोग ध्यान करते। पांच माताओं में कौन कौन है? खुद की माता, दाई, ब्राह्मण पत्नी, गुरु पत्नी और राजा की माँ। माँ के दर्जा हम लोग जाने। इससे हम लोग इसमें सुरुचि, उसका नाम से ही हम लोग को मालूम पड़ता है वो रुचि में बड़ी है, रुचि में पहले रुचि रुचि। उसके जो सुरुचि के कारण राजा उत्तन पर आकृष्ट हुए और वो जो बोल रहे वैसे कर रहे, उसके अधीन हो गए। और इधर हम लोग सुनीति का देखते हैं, वो सुनीति नीति मार्ग से चलने वाले, विधि विधानों का पालन करने वाले, नीति मार्ग से चले वो शांत समाधान वाले। वो हमेशा नीति, जैसे हम लोग विदुर नीति, चाणक्य नीति, ये सब नीति हम लोग पढ़ते हैं, विधि विधान नियम है, उसका नियम के अनुसार वो चलती। इधर 5 बरस का बालक ध्रुव महल में आके अपने पिता के गोद में बैठने की इच्छा करता। उसके मन में कुछ ये नहीं है, ये माँ अलग है, वो माँ अलग है, और ये भाई अलग है, ये पिता। उसके बाद तो छोटा 5 बरस का बालक बालक में उसके अंदर क्या ये रहे। वो सहज अपने इच्छा से अपने बच्चों को बाप माँ बाप के गोदी में बैठने का इच्छा रहता, लालसा रहता। तो वो सहज, वो उसका भाई बैठा था उत्तम उत्तम, तो उसको भी बैठने की इच्छा। जब वो बैठने का कोशिश कर रहा था तो पिताजी भी उसको उठा के गोद में नहीं बैठा रहे। उधर हम लोग देख सकते हैं, हम लोग अगर राजा राजा का क्या है, सब लोग प्रजा लोग सभी समान है ना, उसमें उच्च नीच के, ये तो खुद का बेटा ही है, उसको उठा के अपने गोद में बिठा सकते थे, उनके अंदर कुछ भाव नहीं। मगर इधर क्या होता है, वो सुरुचि के आदि, सुरुचि उधर खड़े रह के वो जोर से बोल रहे थे, क्योंकि राजा भी सुनना चाहिए। ऐसे बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, हे वत्स, अगर तुम्हें इस पिताजी के गोद में बैठा है, राज सिंहासन में बैठा है, तो क्या करना चाहिए तुम्हें, मेरे कोख से जन्म लेना। राजा का पुत्र हो तुम, पर राजा का पुत्र बनकर तुम्हें राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं। अधिकार क्या है, मेरे कोख से गर्भ से जन्म लेना। इधर हम लोग देखते उसकी ईर्ष्या अहंकार, अहंकार इंसान को क्या करता है,
और बालक तो एकदम वही रहता ना, शुद्ध मन वाला बालक, उसको कुछ मालूम ही नहीं हो। वो पूछ सकता था क्यों नहीं मैं बैठने का, मैं भी राजा का बेटा हूँ, पर इधर इसके लिए सुरुचि बोल रहे तुम्हें मेरे को, उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको, उसके लिए उसको जंगल में जाके तपश्चर्या करना पड़ा, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, ऐसे दूसरे जन्म ले उसके गर्भ से जन्म लेके वो उसके बाद राज सिंहासन पर बैठ सकते। ये अहंकार उसको रानी और उत्तानपद की बीवी, ये अधिकार के कारण वो इतने घमंड हो गई थी, तो उसको किसी के यही नहीं था, उसको उसका ईर्ष्या थी ध्रुव की माँ के ऊपर, ईर्ष्या थी ध्रुव के ऊपर, ईर्ष्या नहीं पर ध्रुव की माँ के ऊपर ईर्ष्या थी, मगर ऐसा रहता है जो किसी को पसंद नहीं है, जो किसी से ईर्ष्या करता है तो उसका सभी चीज उसको गलत ही लगते। हम लोग देखते हैं ना, कोई हम लोग को पसंद वाले नहीं है, कोई हो या हमारे पसंद वाले नहीं थे, उसका कोई कोई आए संबंधी आए कोई उसका है, तो वो लोग भी हम लोग को क्या पसंद है, ये लोग हम लोग को पसंद है, ऐसे हमारे मन में ईर्ष्या का भाव रहता है। ये इधर उसका अंदर जो ईर्ष्या का भाव प्रकट हुआ, उसको ये पदवी किसकी मिली, मिले वो राजा की पत्नी है वो, ये नहीं है उसको, उसको क्या भाई राजा को अपने वश में रखी और मेरे वचन को राजा पालन करना है, इसका इसका गमन। इसके लिए एक छोटा सा मैंने एक स्टोरी सुनी थी, मैंने हमारे जो ये पदवी पदवी के ऊपर हम लोग कितना गर्व करते हैं, ऐसे तो भगवान भगवत गीता में बता रहे ना, सर्वोपाधि विमुक्तम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम करके बता, सर्व उपाधि को छोड़ने के मेरे शरण में आएगा तो ही मेरा भक्त बन सकते हैं। इधर हम लोग भक्त और अभक्त के अंदर का जो गुण है हम लोग देख, एक आदमी के पास एक गधा था, गधा तो उन्होंने गधा खरीद लिया था, तो उसने प्यार से गधे के गले में एक घंटी बजाई, तो गधा जब भी चल रहा था घूम रहा था तो घंटी बजाते बजाते जाता था, तो लगा उसको लगा वो आदमी को, चलो इसके ऊपर मैं एक छोटा सा आसन ऐसे बना के उसके ऊपर भगवान को रखा, उसको बांध के एक आसन बना के उसको ऊपर एक भगवान को रखा और जाओ गांव में सब जगह घूमो। फिर वो गधा गला हिलाते घंटी बजाते 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 गांव में सब जगह घूमता था, एक घर में गया तो वो लोग घंटी का आवाज सुनाते सुनते ही दरवाजा बाहर खोल, अरे भगवान आया है भगवान आया है, चलो उसको पूजा करेंगे, फल देंगे फूल देंगे उसका, ये करते थे ऐसे करके वो गधा सब जगह एक एक घर में जाता है, तो सब लोग उसको कोई कोई खाने को देते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई फल देते हैं, ऐसे करके वो गांव भर में वो गधा बहुत प्रसिद्ध हो गया था, बस सब लोग इतना ये करते थे तो गधे को प्यार करते। फिर एक दिन क्या हुआ, गधे का मालिक बीमार था, उसके लिए उसको गधे के ऊपर व्यासासन जैसे भगवान को आसन बिठाने को नहीं हुआ, उसने उसको तबीयत ठीक नहीं था, इसके लिए वो गधे के ऊपर वो भगवान का आसन को नहीं रखा, तो गधे को लगता है क्या है मैं ऐसे ही, मैं सबका प्रिय हूँ, अभी मैं ऐसे ही जाके सबके साथ मिलेगा, सब मुझे तारीफ करते, सब लोग मुझे प्यार करते, सब लोग मुझसे मुझसे ये करते मिलते करके वो गधे को ये हुआ, तो गधा गया एक एक घर में जाके गड्डी पे जाकर रेंगने लगा, रेंगने लगा तो वो घर वाले, अरे ये सुबह सुबह एक गधे का मुंह देखा, हट मकर के उसको लोग पिट पिटाने लगे। फिर दूसरे उसको मन में, अरे मैं सुबह रोज जाता हूँ तो ये लोग सब मेरे आरती उतारते थे, मुझे खाने को देते थे, बट आज क्या डंडी से पिटाई कर रहे। फिर वो जैसे गलत फहमी होगी उसका, इसके लिए चलो दूसरे घर में जाता, दूसरे घर में भी ऐसा किया, उसको पिटाई किया, तीसरे घर में ऐसे, तो गांव में सब जगह वो घूमा तो सब लोग उसका ये किया, उसको हटा ही दिया, चलो हटाओ करके भगा दिया। फिर वो गांव में सोचते अपने आप को, अरे मैं रोज मुझे इतना ये लोग क्या है प्यार करते थे, फिर आज मुझे ये लोग सब डंडी से पिटाई कर रहे, क्या बात है।
तभी वो दूसरे दिन जब भी उसको रखता है ना ऊपर आसन रखता है तभी मालूम पड़ता है, अरे मुझे जो सब ये मिल रहा था ये आसन के कारण, इधर भगवान को इसने ऊपर रखा था आसन के ऊपर, उसके कारण मुझे ये सब लोग प्यार करते, तभी उसको गधे को मालूम पड़ता है, अरे मैं मुझे नहीं कोई प्यार करे इस भगवान को सब लोग मान सम्मान करे, ऐसे ऐसे उसी प्रकार हम लोगों के अंदर भी ये भाव रहते हैं। हम लोग कोई बड़े अधिकारी के पर्सनल सेक्रेटरी रहते हैं, कोई किसी के थोड़ा अंडर सेवक, हम लोग को वो मालिक से भी हम लोग का अहंकार रहता है, वैसे वैसे करके हम लोग भौतिक दुनिया में सब जगह देखते हैं, हम लोग हमारे अंदर थोड़ा सा पोजिशन है तो हम लोग कितना भयंकर है करके दिखाते हैं, ये भौतिक दुनिया में ये है। फिर प्रभुपाद जी का भी हम लोग जीवन में देख सकते हैं, प्रभुपाद जी जब लॉस एंजलिस में थे, तो लॉस एंजलिस में थे तो एक मंदिर का प्रेसिडेंट आके प्रभुपाद जी से बोला, महाराज मैं कितना पत्र लिखा आपको, आपने उत्तर ही नहीं दिया। भाई आपने पत्र लिखा था? हाँ महाराज मैंने कितने पत्र लिखा, आपने उत्तर नहीं दिया। तो प्रभुपाद जी को आश्चर्य होता है, तो सेक्रेटरी को बुलाते हैं, उसका सेक्रेटरी को बुलाते तो पूछते हैं, चिट्ठी आया था पत्र आया था इनका? हाँ पत्र आया था। फिर क्यों नहीं दिया? नहीं मैं उसमें से छानता था, पत्र आया जो उसमें से आपको देने के लिए जो योग्य है वही देता था। तभी प्रभुपाद जी को इतना गुस्सा आता है, वो उसको ऐसा डांटते हैं, हाउ डेयर, तुम्हें इतना धैर्य कैसा हुआ मेरे और मेरे शिष्य के बीच का ये पत्र को तुम्हें बदलने का, तुम्हें तुम्हारे अंदर कैसा धैर्य हुआ करके, उनको डांट, यानी थोड़ा सा उनको अधिकार मिल गया तो उसका वो लोग बहुत बड़ा ईमान। इसी तरह सुरुचि का हम लोग स्वभाव देख सकते, सुरुचि का स्वभाव के द्वारा भागवतम में भी हम लोग अलग 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 स्टोरी के द्वारा एक थोड़ा अधिकार प्राप्त करते, हम कितने उछलते हैं। जब भी भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा जाते हैं कंस के अखाड़े में जाते हैं, वो बुलाया बुलाया था ना कंस अक्रूर को भेज के उनको जो बुलाया था इसके लिए, तभी मथुरा में जाते हैं तो वो जाते वक्त उनको कौन मिलता है उधर? धोबी मिलता है, धोबी मिलता है, तो वो कृष्ण और बलराम धोबी को बोलते हैं हमें थोड़ा कपड़े दे दो, और वो राजा का महल में कपड़े लेके जा रहा था, उसको बोलते उसको हमें थोड़ा कपड़े दे दो, अच्छा अच्छा कपड़ा दे दो। तो धोबी बताए आप लोग गवार है, आप लोग जंगल में रहने वाले, आपको राजा का कपड़े में कैसा देगा, ऐसा करे वो नहीं देता है। तो तुरंत वो कृष्ण और बलराम उसको मार देते, हम लोग देखा है वो राजा का धोबी था, धोबी फिर भी उसको इतना अहंकार था, मैं राजा का धोबी। इसे इस भौतिक दुनिया में हम लोग हर जगह यही देखते हैं, ये एक सुरुचि के ये जो राज पत्नी रानी कि उसका जो पदवी था उसके कारण वो इतने ईर्ष्या करती थी। फिर अंत में ईर्ष्या करने वाला का क्या अंत होता है, हम लोग दक्ष प्रजापति की कथा से सुना है, इसका भी बाद में क्या होता है, जंगल में जाकर मरती है, उसका पुत्र का भी मृत्यु हो जाता है, फिर ये एक ईर्ष्या हो गया। दूसरा है हम लोग ये सीख सीख समझ सकते हैं इस सुरुचि और सुनीति के श्लोक से, हम लोग इसमें जो हम लोग जो तत्व है हम लोग समझ सकते हैं, इसके अंदर क्या गुण है, क्या हम लोग को स्वीकार करना चाहिए, कैसे हम लोग रहना चाहिए। इसके अंदर एक ये गुण था अपना अधिकार को जताने का, और दूसरा है मैं मेरा, ये हम लोग सब जगह देखते, ये मेरा है तेरा है मैं मेरा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, वो सौतेली सुनीति का पुत्र हो, इसके लिए तुम्हें राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं, और इसको अधिकार पाने के लिए क्या करना चाहिए, जंगल में जाके तपस्या करो और ये शरीर छोड़ो, और उसके बाद दूसरा शरीर मेरे प्राप्त करके मेरे गर्भ से अब जन्म ले सकते, ये उसका ये जो भावना है ये कितना संकुचित चेतना है उसका, हम लोग समझते हैं मई और मेरा, ये जो मई और मेरा जो भाव रखते वो हमेशा ईर्ष्यालु द्वेषी ऐसे रहते, इसको हम लोग को ईर्ष्यालु स्वभाव को मेरा मैं और मेरा भाव को छोड़ने के लिए हम लोग को ईशोपनिषद
और चैतन्य महाप्रभु का शास्त्र का पढ़ना। ईशोपनिषद में क्या बताया, ईशावास्यम इदम सर्व, ये पूरा 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 क्या है, भगवान का है। सब सब ब्रॉड माइंड वाले, उदार चेतना वाले, वो क्या हो सकते हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गव्य स्त्री श्री चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना, जो उदार चेत वाले, जो महात्मा लोग, जो बहुत 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 भगवान के भक्ति में जो लगे हुए संपन्न जो भक्त लोग रहते, वो कभी भी भेदभाव नहीं करते। उन लोगों को क्या समय बदल, लोष्टाश्म कांचना, सोने को और मट्टी के ढेर को एक समान मानने वाले वो भक्त जो रहता है, वो सभी के अंदर भगवान का दर्शन करता है। इधर हम लोग इस सुरुचि के बिहेवियर से हम लोग समझ सकते हैं, हमारे अंदर भी ये भाव है, मैं मेरा कुछ भी है तो मुझे ही मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए। ऐसे हम लोग नित्य, हम लोग रोज का जीवन में हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, हम लोग सब हम सोचते सब मेरे मुझे ही मिलना चाहिए, प्रॉपर्टी सब हम लोग को ही मिलना चाहिए, दूसरों को नहीं मिलना चाहिए, यही नहीं सोचते। ये सब भगवान का है और भगवान का ही वस्तु है सब, इसका हम लोग भगवान को अर्पण करना चाहिए, वो नहीं सोचते हम लोग। वो सब हम लोग अपना एक तुच्छ और क्षणिक जीव के लिए, हम लोग क्षणिक जीवन के लिए हम लोग इतना मई मेरा करके जड़ा। और अगर जो सच्चा जो उदार चेत वाला रहता है, उदार भाव वाला रहता है, वो क्या रहता है, ये पूरा पूरा क्या है, वसुदेव कुटुंब, ये वसुदेव का ही कुटुंब है, पूरा पूरा दुनिया में सब लोग वसुदेव के बच्चे। हम लोग देखते हैं ना, सभी जीवों का पिता अहम बीज पिता करके भगवान बोलते, मैंने ही सबको जन्म दिया है, सबके पिता है वो। ये क्षुल्लक जो बुद्धि वाले बोलते ना, एकदम संकुचित माइंड वाले विष्णु, और ये उठा, और तीसरा है सब उसको क्या करने का, भगवान को भगवान का ध्यान करके मेरे गर्भ में जाने का, जन्म लेना चाहिए वो, उसके लिए ये शरीर त्याग करके उसको उसका शरीर में जन्म लेना, यानी उसका माइंड इतना संकुचित माइंड है। ऐसा राजा तो दोनों सुनीति और सुरुचि का दोनों का पति है, राजा है वो सब, उसका भी इसको कितना अधिकार है, उसका सुनीति को भी अधिकार, उसके बेटे को भी अधिकार है, वो नहीं जानती, वो सब मुझे ही चाहिए, उसका ये संकुचित दृष्टि लोग देखते। भौतिक दुनिया में भी हम लोग अलग 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 प्रकार के लोगों में इसे ईर्ष्या द्वेष, भगवान बोलते हैं ना अहम बलवान, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही सभी का ए हूँ, इसका ये भी हम लोग देखते हैं। कौन हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु क्या करता है, वो सब कुछ सब मेरा ही है, मेरा ही है, वो ये करता है, ये जो बुद्धि वाले। और ये सुरुचि इसको बोलती है, मगर वो ध्रुव को बहुत बुरा लगता है, वो बोलता है ना मारा हुआ सांप कैसा फुस फुस कर से जाता है, गुस्से में वो अपने माँ के सुनीति के पास जाता है। सुनीति के पास जाने के वो पहले उसके पहले वो रानिया दासिया, रानी के दासिया रहते, उसको बताते ऐसे ऐसे पिताजी के गोदी में बैठने के लिए गया था, फिर वो सुरुचि ने उसको बैठने नहीं दिया, ऐसा कहा वो उसको बताते सुनीति। तो ध्रुव रोते रोते गुस्से में आता है, गुस्से में आता है, तो सुनीति ने क्या बताती है अपने बेटे को, वो भी हम लोग समझते हैं, जैसा है कितने सुंदर वक्त उस अपने बेटे को समझाती है। ये सभी माँ के अंदर एक गुण आना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों को भक्ति में लाने के लिए, अपने बच्चों को जीवन सफल होने के लिए, हर एक माँ को इस सुनीति का जो आचरण है उसको अपनाना चाहिए। वो जब ये ध्रुव अपने माँ के पास जाके बोलता है, रोता है, तो माँ बोलती है देखो बेटा, वो तुम्हें गलत की, तुम्हें उसने तुम्हें तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, पर तुम्हें उनके उसके ऊपर गलत व्यवहार नहीं करना है।
वो कुछ भी करने दो तुम्हें, उल्टा उनको तुम्हें एक गलत नहीं बोलना, वो एक पहला सिखा। और जो तुम ये जो कष्ट भोग रहे हो, तुम्हें एक तकलीफ हो रहा है, वो हमारे पिछले जन्म का कर्म है। जो भी हमारा पिछले जन्म का कर्म है उसी को हम लोग इस जन्म में भोग रहे हैं। ये कर्म का ही बढ़ा रहे, को अपना कर्म फल को भोग रहे हैं। और तीसरा उसको सिखाते हैं, अगर तुम्हें पिताजी के गोद में बैठना है, हाँ बोलते बैठना है, तुम्हें भगवान का आराधना, भगवान का ध्यान करना, भगवान का ध्यान करना पड़ेगा, जंगल में जाके तपस्या करना। वो सिखा बताते हैं, हाँ उसको सुनी। अगर वो छोटा बालक है, वो बोलेगा माँ आप तो घर में मुझे खाना खिलाएगी पिलाएगी, जंगल में मुझे कौन नहीं देगा। वो भी बताती है, मतलब देखो मैं आप अकेले का माँ हूँ, वो भी मैं भगवान के अंश हूँ आपका, आप अकेले के, पर भगवान सभी पूरा 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 ब्रह्मांड में जितना जीव है उसका वात्सल्य में माँ है, वो सबको रक्षा करने वाले, सबका ध्यान रखता है, वो सभी को प्यार करता है, सबका रक्षा। अगर आपको अपने पिता के तो गोद में बैठना है तो आपको ध्यान करना, बता दिए कि हम लोग देखते हैं इसमें। चैतन्य महाप्रभु ने भी हम लोग को यही शिक्षा दी है, आश्लिष्य व पादरताम विनष्टुम, अगर भगवान हमें ठुकरा दे, प्यार करे या ठुकरा दे, उसका कुछ परवाह नहीं, हम लोग को उनका चरण पकड़ के रखना चाहिए। हम लोग आश्लिष्य व पादरताम विनष्टुम मत दर्शनात मर्महता करो, क्या अगर आप दर्शन दो या नहीं दर्शन दर्शन करो, यथा तथा विदधात लंपटो मत प्राणनाथ सु स एव न, आप ही मेरे एक प्राणनाथ है, आपके अलावा दूसरा कोई मेरे प्राणनाथ नहीं है, ये हमारे अंदर होना चाहिए। एक भागवतम का बहुत सुंदर कथा है भागवतम में, इधर ब्रह्मा के पुत्र होने पर भी वो ब्रह्मा जी बाद में उत्तानपाद को डांटते हैं, तुम कितना बड़ा गलती किया तूने, अपने पुत्र को गोदी में नहीं रखा करके उसको डांटते हैं। मगर इधर हम लोगों का सीख है, हमारा व्यवहार कैसा रहना चाहिए, जो शुद्ध भक्तों में भक्ति में लगा हुआ है उनके अंदर ये भेदभाव के भाव नहीं आना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष। हम लोग अभी ब्रह्मा जी के वंशावली में देखा है, ईर्ष्या द्वेष तो सब है, जो ब्रह्मा जी से सनकादि शुद्ध भक्त भी जन्म लिया है, अधर्म के भी पुत्र भी जन्म लिए हैं, तो साथ साथ। मगर हम लोगों को क्या करना है, अच्छे लोगों के संग में, सत्संग में रहने के, गुरु की शरण में जाके, तो हमें गुरु की शरण में जाके हमारा जीवन को हम लोग समझ, गुरु की शरण में जाने से इधर हम लोग एक सोच सकते, और हमारे अंदर जो जो एक कुत्सित बुद्धि है, दूसरों का गलत ढूंढना, दूसरों का अपमान करना है, तो इससे हम लोग को क्या करना है, इससे हम लोग को दूर होना है। जो चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को क्या दिया है, एकदम सिंपल उपाय दिया, चैंटिंग करो कीर्तन, प्रभुपाद जी ने हम लोग को यही सिखाया, जप करो कीर्तन करो प्रसाद, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और प्रसाद ले लो, तो बोलते हैं ना हैप्पी करके बोलते हैं। इसमें हम लोग ये सुनीति और सुरुचि का एक कथा से हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह जीवन में हम लोग को, ये जीवन क्षणिक है, क्या ये नहीं है लंबे अवधि तक रहने वाले, कायम रहने वाले नहीं, क्षणिक है, आज है तो कल जाएगा, और ये सब जो चीज है हम लोग भोग रहे हैं सब किसका है, भगवान का है, और इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं मेरा करके उसको स्वार्थ स्वार्थ जो बोलते हैं ना, भगवान ने सबके लिए जितना चाहिए सबके लिए बना के रखा है, मगर हमारे स्वार्थ बुद्धि ऐसा है, कितना हम लोग को मिले तभी वो तृप्ति नहीं, हमारे जो अंदर के जो स्वार्थ बुद्धि के कारण ही हम लोग दुख भोगते हैं, स्वार्थ बुद्धि इसके लिए जो हम लोग को
होना है, हम लोग को शुद्ध होके भगवान के चरण में शरणागत होना है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कंटिन्यूस चैंटिंग करना है। गुरु महाराज के जो आज्ञा है उसका पालन करना है, और सेवा 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 करने से ही हम लोग को भगवान की भक्ति मिलती है। इस प्रकार हम लोग इस श्लोक द्वारा समझ सकते हैं, और भी बहुत ढंग से उसको एक्सप्लेन कर सकते। ध्रुव महाराज की कथा सब लोगों को मालूम है, और सुनीति और सुरुचि के जो स्वभाव है उसको हम लोग समझ के इस भागवतम को हम लोग तत्व सा जानना चाहिए, और हमेशा नित्यम भागवत सेवा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद जय। हरे।